हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका की नई शुरुआत, नए बिजनेस के बारे में, जो कि सबसे पहले 10 दिन पहले शुएब इब्राहिम एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां पर वो लिखते हैं नई शुरुआत, और उसके अंदर वो कुछ नहीं बताते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो आएगा नई शुरुआत के बारे में, लेकिन उस व्लॉग में कोई किस्म की बात नहीं की जाती है और आपको बेवकूफ़ बना दिया जाता है क्योंकि व्यूज़ लेने होते हैं। और मैंने ये देखा है कि नई शुरुआत के ऐलान के बाद भी जो है व्यूज़ में उनके कोई फ़र्क नहीं आया। इवन शेप के चैनल पर भी व्यूज़ बहुत डाउन देखने को मिले हैं और दीपिका के चैनल पर भी व्यूज़ बहुत डाउन देखने को मिले हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हो रही है ये मैंने देखा है। दैन इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग आता है दीपिका की दुनिया पर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ होता है, क्योंकि जो दीपिका ने डोरमेट पना दिखाया था ना, नहीं व्यूज़ तो नहीं किया था, जो बिजनेस की जो न्यूज़ है वो आपके ही चैनल पर आएगी, मैं आप ही के चैनल पर अपलोड करूंगी। तो नीचे कमेंटबाजी हुई थी कि हाँ तुम जो है, बहुत सारे कमेंट्स हैं ना कि तुम जो है इसी तरीके की हरकतें करती हो, तुम्हारे अपना कोई कॉन्टेंट ही नहीं होता, घिसा पिटा कॉन्टेंट ये वो ये वो, शायद कमेंट जो कमेंट्स कर रहे थे उनकी बातें दिमाग पर लगी। और जो बिजनेस की डिटेल आती है वो आती है दीपिका के चैनल पे। अच्छा जी, मैंने ना एक दो चीज़ें और भी देखी है रूहान को लेके भी, मैं इधर रूहान को लेके भी डिस्कस करूंगी। मैंने जो ना एक स्क्रीनशॉट लिया भी है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या रूहान एक अडल है? लगता है कडल का पुनर्जन्म रूहान के रूप में हुआ है, एकदम कडल जैसा ही है रूहान, इसीलिए शुएब उसको बुलाता भी कडल जैसे है और ट्रिक्स भी करने को बोलता है। ना बाप ना माँ संभाल दो उसे, धर्म एंड रेनू के भरोसे कडल बड़ा हो रहा। सॉरी रूहान, जहाँ पर मुझे लगता है ये एक किस्म से उस बच्चे के लिए डिसरिस्पेक्ट वर्ड है। भाई देखो, जो भी है जैसा भी है, आप किसी इंसान को जो है वो कैसे किसी जानवर से मिला सकते हो? सीरियसली भाई, कहने को वो उनकी औलाद सही जो भी हो, लेकिन दिखने में तो वो जानवर ही था, वो था तो जानवर ही, ठीक है। इंसान इमोशनल आपके अटैचमेंट सब कुछ रियल हो सकती है, लेकिन जानवर ही था वो। वो उसको अपना बेटा ज़रूर मानते थे, लेकिन क्या आप किसी भी बच्चे को जो है वो जाकर किसी भी कुत्ते से मिला दोगे? मतलब सीधा सिंपल, मतलब मैं ऐसी सोसाइटी मुझे देखती हूँ जहाँ पर आप, मैं भी इस कुत्ते को यानी कडल को कुत्ता कहूँगी ना तो मुझे कमेंट में आ जाएंगे, कैसी हो, उन्होंने बच्चों की तरह पाला था, तुम कुत्ता लिख रही हो। तो भाई कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अब मुझे ये नहीं पता कि कहीं ये कुत्ता जो है वो मेरे यूट्यूब का मसला ना कर दे। मतलब कि आपको उसी वर्ड को वो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है जो वो वर्ड है, ठीक है। मतलब उस जानवर को उसी नाम से बुलाया जाता है, उस जानवर को हम उस नाम से बुलाते तो लोगों को फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक इंसान के बच्चे को उसके नाम से बुलाया जा रहा है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे रेडिट पर बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, मैं रेडिट के अक्सर पॉइंट्स पर बात करती हूँ, लेकिन यहाँ ना मुझे बहुत अजीब फील हुआ है इस पॉइंट को देख के। मतलब एक बच्चे से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार, आपको उस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़? आपकी इंटेंशन जितनी भी प्योर हो, आपने जितने भी प्योर हार्ट से कहा हो, आपने उनको सोच के कहा हो कि यार उनके पास कडल उनका चला गया, शायद एक कडल का पुनर्जन्म है, आपने जो भी सोच रख के कहा हो, बट सीरियसली ये कमेंट, ये जो पूरी की पूरी पोस्ट थी ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी। और मुझे लगता है कि ये आपके नुकसानात होते हैं अपने बच्चों को दिखाने के, अपने बच्चों को कंटेंट बनाने के लिए। कंटेंट इस तरीके से कंटेंट बनाया जाता है अपने बच्चों को, फिर कुछ भी आपके बच्चों पर बात होती है यार। मुझे लगता है कि वो भले अपने बच्चे दिखा रहे हैं, लेकिन हमें उस बच्चे के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि हम उस बच्चे को उस किस्म की कमेंटबाजी ना करें कि चलो ठीक है भाई वो नहीं समझ रहे, लेकिन हम ही थोड़ा समझ लें बच्चे के मामले में। बच्चे इनोसेंट होते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया होता है। इवन उसी व्लॉग में, जिस व्लॉग में उसने अपना ये सब कुछ बताया है ना बिजनेस विजनेस का, उसी व्लॉग में वो अपने बच्चे की रेसिपी बताती है जो कि पास्ता की रेसिपी होती है। उसमें कमेंट इतने सारे थे, इतनी सारी पोर्शन में बच्चा है कि ये है, क्योंकि जो पास्ता का पोर्शन था वो बहुत ज़्यादा था और एक साल के बच्चे के लिए इतना हैवी खाना वैसे ही मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि अभी एक साल का बच्चा हुआ है प्रॉपर। आपका बच्चा ये अपनी तरफ से निकाला हुआ है कि डॉक्टर ने कहा है कि एक साल का बच्चा आपका इतना हो कि आपके डाइनिंग टेबल में जो भी हो वो ये खा सके। खाना एक अलग चीज़ है, लेकिन इतनी हैवी गिज़ा उसको हर संडे देना, मुझे लगता है ये बहुत हैवी हो जाता है बच्चे के लिए। पास्ता और ये सब मैदे से बना होता है, ये कोई होल व्हीट पास्ता नहीं था कि चलो हम बोल लें कि ये होल व्हीट पास्ता था, जो बच्चों के लिए एक सेफ होता है मैदा, क्योंकि वैसे ही बहुत खतरनाक होता है बच्चों के लिए। तो वो मैदा उसको दे देना हर हफ्ते देना, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैदा देना, जो कि सीरियसली मेरे, मुझे भी देखकर थोड़ा सा हैरत लगी। एक साल के बच्चों को इतनी हैवी डाइट क्वेश्चन मार्क बनता ही है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है, देखो आप इस किस्म के जो ये कर रहे हो ना, ये दिखा रहे हो तो अपना कंटेंट बच्चों को बना के, तो फिर नज़रें भी लगती हैं, सबसे ज़्यादा खाने पे नज़रें बच्चों की लगती हैं। हमारी माँ है, जो हमारी दादियाँ नानी हमारी सासें माँ है ना, वो हमें हमेशा कहती हैं कि बच्चा अगर सही खा भी रहा हो ना, लोग पूछे भी ना, तो आप यही कहो कि नहीं हमारा बच्चा सही नहीं खा रहा, क्योंकि सबसे जल्दी नज़र जो है ना वो बच्चे के खाने पर लगती है। और भाई नज़र रियल है, कहते ना कि नज़र एक ऐसी चीज़ है जो ऊँट को भी आंडी में ले आती है। नज़र बरहक है, और नज़र पर हमारा बिलीव है कि नज़र लगती है।
है भाई, और बच्चों को खास करके लगती है क्योंकि वो बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उनको नज़र फौरन लगती है, और खास करके उनके खाने पे भाई। तो खाना तो हमारे घरों में छुपा के दिया जा रहा होता है, हम आपस में जो है वो इतना ज़्यादा खाने को बच्चे को डिस्कस नहीं करते। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब काफ़ी लोग कहते हैं घिसी पीटी बातें हैं, भाई घिसी पीटी बातें भी काफ़ी बार सच होती हैं। अगर घिसी पीटी बातों पर बिलीव नहीं करते तो क्यों इतने महीने तक, 3 साढ़े 3 महीने तक प्रेगनेंसी की न्यूज़ छुपा के रखी थी, इन्हीं घिसी पीटी बातों पर न्यूज़ रखी हुई थी ना, सच ईमान रखा हुआ था कि नहीं यार नज़र लग सकती है। तो नज़र लगना, हसद होना, ये कोई हमारी मनगढ़ंत बातें नहीं, ये प्रूफ है। तो ये व्लॉगर्स, आप अगर अपनी बच्चों को सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हैं तो उस किस्म के कमेंट्स के लिए आप रेडी रह जाओ मुझे तो लगता है। और जो उस किस्म के कमेंट भी कर रहे हैं ना यार, थोड़ा सा एहसास कर लो बच्चों के लिए, ये बच्चे हैं जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। आपको प्रॉब्लम हो सकती है दीपिका से, सबा से, शुएब से, लेकिन वो बच्चा आई थिंक आपका प्रॉब्लम, या आपने जिस भी, मैं अभी भी कह रही हूँ, हो सकता है कि उसकी इंटेंशन अच्छी हो उस बंदी की, उसने किसी अच्छे वे में लिखा हो क्योंकि उसने हार्ट वगैरह बनाए हुए थे, लेकिन भाई जितनी भी अच्छी इंटेंशन में लिखा हो, लेकिन आपने जो मतलब बनता है उस बात का वो बिल्कुल ही अजीब बनता है। बैक टू द टॉपिक पे आते हैं, लेसम लेस वाले के, उसने बोला कि मेरे वीडियो में, जो मेरे वीडियो को बोलने तो होगा, जो मेरे सूट्स आपको मिलेंगे उसमें आपको मेरी झलक देखने को मिलेगी, दीपिका ने ये कहा है। क्योंकि दीपिका ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि भाई मैं सूट का ही कारोबार स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी हमने कोई शॉप वगैरह नहीं ली है, हम ऑनलाइन ही स्टार्ट करेंगे, और ऑनलाइन स्टार्ट करने के साथ साथ हम जो है ये स्टार्ट बिजनेस आउट ऑफ द इंडिया भी करेंगे, ठीक है। यानी इंडिया से बाहर भी इसके ड्रेसेस मंगवाए जा सकते हैं, जहाँ जहाँ डिलीवरी अवेलेबल है इंडिया से, तो वहाँ उसने कहा कि हम ये डिलीवरी करेंगे। वेबसाइट जो है वो अरेंज कर रहे हैं, वेबसाइट लॉन्च होगी, इन्होंने कोई अभी फिजिकली यानी शॉप स्टार्ट नहीं की है, वेबसाइट के थ्रू ये काम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन थ्रू। तो कहीं ना कहीं ये चालाकी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में लोग उनको पसंद करें ना करें, लेकिन बाहर मुल्क में उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, खास करके जो पाकिस्तानी बैठे हैं ना बाहर मुल्क में, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यार इनको, पाकिस्तान में अलग नशा है इनका। और दीपिका बताती है कि उसने सूट के, यानी ज़्यादातर जो है वो फेस्टिवल सूट जो है उस पर ध्यान है इनका, यानी ब्राइडल, एक दो पिक्चर्स जो वायरल हो रही हैं वो भी ब्राइडल सूट के हिसाब से वायरल हो रही हैं, और जो लहंगे की पिक्चर उसकी वायरल हो रही है ना, वो काफ़ी लोगों का कमेंट है कि हमने ये लहंगा 4 साल पहले पहना है, किसी ने कहा अभी मैंने रिसेंट ईयर ये वाला लहंगा पहना है, यानी जो लहंगा की पिक्चर एक वायरल हुई है, ब्राइडल लहंगे की पिक्चर है तो वो वायरल हो रही है, तो उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स हैं। यानी उसकी जो पूरी की पूरी कहानी है वो फेस्टिवल्स के दरमियान, यानी उसने बहुत भरे हुए कपड़ों को जो है वो प्रेफर किया है, और बहुत ज़्यादा भरे हुए कपड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हिंट इन्होंने दे दिए कि भरे हुए कपड़े, यानी ज़्यादातर ब्राइडल पर ही काम करते हुए नज़र आ रही है दीपिका। और ब्राइडल सूट का हाल तो क्या हुआ है वो हमने सबा की शादी में देख ही लिया है, क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि हर चीज़ में लेस अच्छी ही नहीं लगती है, ठीक है ना, हर चीज़ में लेसम लेस, हर चीज़ झड़क भड़क, कुछ चीज़ें डिसेंट होके भी बहुत बोल जाती हैं। यानी आपको अच्छा दिखने के लिए, एक अपने आप को ब्रांडेड दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको भरक शरक ही पहनोगे तो ही आप ब्रांडेड नजर आओगे, तो ही आपके पास पैसा शो होगा, यार इसने इतना भरा हुआ कपड़ा पहना है तो वही पैसा शो वाला हो रहा है। आपकी डिसेंसी भी जो है वो पैसा बयान कर सकती है। तो सबा की शादी के जो कपड़े थे जो हमने देखे थे, चलो मैं बोलती सबा की इसके अंदर पसंद शामिल थी, लेकिन इससे पहले सितारा कलेक्शन थी, उसके कपड़े भी अगर आप देखो तो अजीब ही किस्म के स्टाइल्स हैं। मतलब कोई स्टाइल्स में इनोवेटिव करने के चक्कर में ये कुछ बंदर बना देती है, मतलब इनोवेटिव करने के, मैंने हमेशा देखा है ये अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में कुछ अलग ही मखलूक बनती है। और यहाँ पर एक चीज़ को बहुत फोर्स किया जाता है, जब उसने कहा कि मैं कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो शुएब कहता है फॉर वुमेन, भाई जिस हिसाब के कपड़े इसने पहनाए थे ना तो आप तो पहन ही सकते हो, मतलब सभा की शादी में उसने पूरा घाघरा पहना था, इतना मुझे देखकर हंसी आई थी, वो जो मेहंदी वाला जो फंक्शन था तो उसमें जो शुएब ने अपना सूट पहना था ना वो आप देख लो, तो ये अगर आप जाके किसी लेडीज़ शॉप पे रख दो ना तो वो लेडीज़ भी ले लेगी, कसम से खरीद लेगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा सूट जो है वो लेडीज़ ही था। अभी भी अगर शुएब के कुर्ते अगर आप देख लो ना तो वो लेडीज़ कपड़ों के ही ज़्यादा बने हुए थे, लेकिन ये अलग बात है कि उसको कैरी करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए वो बहुत अजीब नहीं लगता है, वरना वो रणवीर सिंह की कोई 6ठी 7वीं जो है ना कॉपी है, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। काफ़ी लोगों को वो सलमान और शाहरुख की कॉपी लगता है, लेकिन मुझे वो लगता है कि वो रणवीर सिंह की कॉपी करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ऐसे अटपटे कपड़े जो है अगर इंडस्ट्री में कोई बंदा पहनता है तो वो रणवीर सिंह है। तो अब काफ़ी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि दीपिका सभा की कॉपी कर रही है, दीपिका को जो है वो सभा से जेलसी है, इसलिए जो है उसने अब अपना काम स्टार्ट किया है, लेकिन नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि काम का शौक तो मुझे पहले से ही है, दिखता है, चाहे वो उसके फ्लॉप चीज़ें हों लेकिन उसने की है।
चाहे वो किचन की जो पूरी उसने जर्नी स्टार्ट की थी जहाँ पर वो रेसिपीज़ देखकर पकाती थी, इससे पहले इसका सितारा कलेक्शन था, वो है कल्प प्रोडक्शन था, ये सब फ्लॉप हो गए, बंद हो गए, किधर गए किसी को नहीं पता। लेकिन काम करने का शौक़ शुरू से है, बिज़नेस करने का शौक़ तो उसको शुरू से ही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता जिस बंदी को हाउस वाइफ बनना है, जिसका सपना शुरू से हाउस वाइफ का है, जिसने बचपन से एक ही सपना देखा था कि उसको हाउस वाइफ बनना है, उसको बार बार वर्किंग वूमेन बनने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि जब रोहान के वक्त कंसीव किया था तब उसको बड़ी सिंपैथी थी उन लोगों के साथ कि मैं घर में जो है वो बैठ सकती हूँ और मैं घर के अंदर बैठ के खा सकती हूँ, लेकिन मुझे उन औरतों पर रहम आता है, ये सब कुछ उसने ये सब कुछ बातें की थी। तो अचानक ये जर्नी क्यों स्टार्ट हो गई, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कि नहीं मैं इंडस्ट्री की मैं जो है ना उन लोगों की तरह नहीं करूँगी, मैं अपने काम को देखूँ, मैं इस वक्त अपना बच्चे पर पूरा फोकस करूँगी, आगे जाके जब रोहान 3-4 साल का हो जाएगा फिर मैं अपने करियर पर फोकस दूंगी। तो ये सब बातें करने वाली को अचानक 6 महीने में क्या हुआ था, तो उसको 6 महीने बाद ही अपना कारोबार याद आ गया कि नहीं मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरा कारोबार याद आ गया। मतलब उसको जो बैठे बिठाए पैसे मिल रहे थे, उस बैठे बिठाए पैसों से उसका क्यों दिल उचाट हो गया और उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। उसकी जर्नी स्टार्ट करने से मसला नहीं है, मसला सारा घूम फिर कर अगेन यही आता है कि जितनी भाषणबाजी ये करते हैं, जितना ये अपने आप को दिखाते हैं महान, उलट हमेशा उसी का होता है, हमेशा वही काम उलट करते हैं। मैडम ने बोला कि मुझे 3-4 साल तक काम नहीं करना है, अभी उनका 6 महीने के अंदर ही उनका पूरा का पूरा माइंडसेट बदल गया कि नहीं मुझे अब बिजनेस वूमेन बनना है, पहले मुझे वर्किंग वूमेन बनना था, अब मुझे बिजनेस वूमेन बनना है। तो इसलिए उसने 6 महीने बाद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सूरत 6 महीने पहले वो गई थी फैब में, जहाँ पर रूहान 6 महीने का था, 6 से 7 महीने का था, और उसी दरमियान उसका पूरा माइंडसेट हो गया था और ये काम 6 महीने से चल रहा है उसका। तो 6 महीने के अंदर अंदर ही उसने अपने आप को बिजी कर दिया, यानी जिस बंदी ने 4 साल तक का भाषण दिया था कि मैं तो अपने बच्चों को टाइम दूंगी, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे बच्चे से मेरी इंटेंशन हटे, मैं अपने बच्चे को पूरा फोकस करूंगी, मैं अपने बच्चे के साथ जीना चाहती, पता नहीं क्या कुछ बला बला उसने बहुत सारे इंटरव्यूज में भी कहा था और बहुत सारी बातें उसने अपने यूट्यूब चैनल पे भी कही थी। तो भाई वही सबसे बड़ा सवाल निशान बनता है कि 6 महीने में खत्म हो गया भाषण भाई, यानी अगर काम करना है तो सीधे सिंपल बोलते जैसे सबने किया है काम, भारती से भी जब लोगों ने किया, जब वो 12 दिन बाद जब वो गई अपने काम पे तो लोगों ने पूछा तुम 12 दिन में, तो उसने बोला भाई मुझे मेरे घर का पेट पालना है, मेरे भी बहुत सारे ख्वाब है जो मुझे पूरे करने हैं इस टाइम पर, तो मेरा उस पर भी फोकस है, मुझे मेरा बच्चा भी साथ में पालना है, मुझे उसके भी ख्वाब पूरे करने हैं, मुझे अपने भी ख्वाब पूरे करने हैं। तो लोगों ने उसको जज करना बंद कर दिया कि नहीं यार वो अपने काम पर फोकस्ड है, कोई बुरी चीज़ नहीं कर रही है, वो काम कर रही है और काम पर फोकस्ड होना कोई बुरी बात नहीं है। तो ऐसे ही अगर दीपिका भाषणबाजी ना करती और अपने काम पर फोकस्ड रहती कि नहीं यार मुझे काम करना है, आगे मैं देखूंगी, मैं जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी या देखेंगे जो भी जिंदगी में लिखा हुआ होगा, तो उस वक्त आपको भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए ना बेफजूल की। आप भाषणबाजी तो हमेशा इतनी करते हो लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो अमल कुछ और ही दिख रहा होता है। अच्छा, इसके कमेंट बॉक्स में ना अगर आप जाओ ना तो वहां ज्यादातर एक ही बात लिखी हुई है कि आप मिडिल क्लास रेंज को देख के स्टार्ट करना, मिडिल क्लास को सोच के स्टार्ट करना, अपने पैसों की रेंज कम रखना, अपने पैसों को ज्यादा नहीं रखना। वहां पर ऐसे भी थे जहां पर ये लिखा हुआ था कि आप 500 से 3,000 के दरमियान सूट्स रखना, उनकी रेंज इतनी ही रखना, ये भी कमेंट्स आपको देखने को। क्योंकि देखो उसके पास जो ऑडियंस है ना, चाहे वो सभा की ऑडियंस हो चाहे वो दीपिका की ऑडियंस हो, वो मिडिल क्लास से भी शायद नीचे की ऑडियंस है, जिनकी एवरेज मंथली इनकम जो है जितना ये डेली अर्न नहीं करते होंगे ना, उनकी शायद मंथली भी अर्न इतनी होगी मुश्किल से, तो ये उनकी अर्निंग है। तो उसमें उनके लिए वो इनकी ख्वाहिश ये होगी जो उनको बहुत ज़्यादा सर पे समझते हैं, जो इनको आइडियल समझते हैं, तो उनको ये होगा कि यार हम उनके ब्रांड्स का सूट पहन सकें और हमें एक ब्रांड मिल जाएगा पहनने को अगर इन्होंने प्राइस अच्छी रखी तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्राइस रेंज जो है वो मिडिल क्लास फैमिली को सोच के रखी जाएगी, क्योंकि हम बात कर लें सभा के रेस्टोरेंट से ही, सभा के रेस्टोरेंट के जो प्राइस रेंज है वो काफ़ी लोग यही कहते हैं कमेंट बॉक्स में, काफ़ी जगहों पर रेडिट पर भी बात बार बार आती है कि इससे ज़्यादा सस्ते मीरा रोड पर रेस्टोरेंट्स आपको और मिल जाएंगे, जो इससे कम रेंज में आपको खाना और अच्छी क्वालिटी का खाना प्रोवाइड करते हैं। तो भाई ये इन्फ्लुएंसर्स जो है अपने लोगों का नहीं सोचते हैं, उनको अपनी रेपुटेशन देखनी होती है, अपना खर्चा निकालना होता है, तो भाई वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे और मुझे लगता है कि वो नहीं सोच सकते, क्योंकि जो उनको कॉस्टली अराउंड जो चीज़ उनको खुद 30-35 हज़ार रुपये की पड़ रही हो, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि उसके वाकई सूट 30-35 हज़ार की होंगे, अगर मैं एक ब्राइडल नॉर्मल सूट की बात कर रही हूँ जो उनको खुद कॉस्ट 30-35 हज़ार की पड़ रही हो, तो वो आपको 2-3 हज़ार रुपये में कैसे दे सकते हैं, वो आपको नाना करते करते भी चलो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर सकते हैं लेकिन नुकसान में तो वो नहीं बेच सकते ना आपको चीज़ें। तो ये मुझे लगता है कि अगर उसने ब्राइडल ही जो है शूट जिस तरीके से करती हुई नजर आई है, अगर ब्राइडल चीज़ें ही उसने निकाली तो वो आपको सस्ती नहीं मिल सकती, उसके लिए आपको अपना बजट हाई ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्राइडल जहां ब्राइडल का नाम पड़ता है वहां वैसे ही चीज़ें 4 गुना महंगी हो जाती हैं। और उस व्लॉग में एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, उस व्लॉग में कपड़ों से ज़्यादा जिक्र चीज़ों का हुआ है कि कुछ चीज़ें नहीं हो सकी थी अब चीज़ें हो रही हैं।
तो सिर्फ चीजें चीजें ही थी, ज्यादातर शुएब ने जो भी बात की है तो वो चीजों पे रखे कि ये चीजें नहीं हो सकी, चीजें हो जाएंगी, चीजें ये चीजें चीजें चीजें, बस यही था। अच्छा, मुझे ना बड़ी हंसी आई है, वो हंसी मुझे इसलिए आ रही थी कि मतलब कि चाहे सबा हो चाहे दीपिका हो, उन्होंने काम वो स्टार्ट किए हैं जिस काम का शौक, जो काम उन्हें लेने का बड़ा शौक है, यानी सूटम सूट। इनके घर के अंदर एक सूटम सूट होता है और एक खाना होता है, यानी इन्होंने ये सोचा कि यार हम इतना जाके बाहर खाना खाते हैं, बाहर के सूटम सूट खरीदते हैं, बाहर वालों को क्यों हम प्रॉफिट दें, ये प्रॉफिट हम घर में सबर्न करेंगे। तो अब देख लो इनके घर में कुछ भी हो रहा है तो खुशामदीद से खाना आ रहा है, और अब सूट जो है वो दीपिका की वेबसाइट से आएंगे। तो इनके ये दो शौक हैं, ये दो शौक इन्होंने घर में ही स्टार्ट कर लिया कि इनको पता है कि यार ऑडियंस से मिले ना मिले, हमें अपने घर वालों से ही बहुत प्रॉफिट मिल जाना है, क्योंकि जितना इनके घर में बाहर का खाना प्रोमोट किया जाता है ना, तो वो उनको पता है कि वो उनको मिल जाएगा। तो सीन सारा यही, और जितना सूट के पीछे, मतलब माँ को बेटी नज़र नहीं आती, मतलब बेटी का थोबड़ा नज़र नहीं आता, पहना हुआ सूट नज़र आ रहा होता है। आप देखना, नोटिस करना, जब भी सभा सामने जाती है ना, तो उसकी माँ उसको बोले ना बोले, ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सभा भी, मम्मी आपने सूट तो बहुत अच्छा पहना है अम्मी। तो ये सिर्फ सूट, मतलब इनकी जिंदगी के अंदर सूट रह गए हैं, खाने रह गए हैं, बस यही रह गई है। इनकी फैमिली की बॉन्डिंग खत्म होकर चीज़ों पर मटेरियलिस्टिक फैमिली बन चुकी है पूरी की पूरी। अम्मी को भी देख लो, अम्मी की भी अब आंखों में ना लालच बहुत ज़्यादा दिखती है। मुझे कभी कभी लगता है कि ठीक है यार, उनको एक हद तक उनका सूट के लिए पागल होना बनता है कि चलो उस वक्त उनको चीज़ें नहीं, अब तो वो हर सूट जिस सूट पे हाथ रख रही है वो सूट उनके पास है, हर किस्म का सूट इनके पास है, अलमारियाँ पूरी भरी पड़ी हैं, फिर क्यों अब भी उनके शक्ल में जो है वो उनकी आंखों में वो हवस देखने को मिलती है सूट को देख के। जैसे ही दीपिका सामने आएगी, सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ही सभा सामने आएगी, तुम्हारा ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने कहाँ से लिया। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि सूट जो ना वो दिमाग पर चढ़ गए, नींद में भी इनको ख्वाब में भी सूट ही नजर आ रहे होंगे जो इनके हाल चलते हैं ना। तो उसी चीज़ को दीपिका ने कैश किया। और एक और बात जो दीपिका ने कही कि मेरी झलक जो नज़र आएगी, वो झलक में जितने वेयर्ड किस्म के कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं ना, सीरियसली यार, ये मुझे लगता है नॉर्मल जिंदगी में इतने वेयर्ड कॉम्बिनेशन पहनना ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कि वो कभी हुए तो हुए, नहीं तो कामयाब फेल हो जाते हैं, क्योंकि फेल होते हुए मैंने देखे हैं जितने भी इन्होंने किए हैं कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़, या लेसम लेस के साथ छेड़छाड़, एक लेसम लेस वाले सूट बनाना, तो अजीब ही वेयर्ड किस्म की चीज़ें बनी है। ब्राइडल सूट में तो बहुत ही गंदा टेस्ट रहा है दीपिका का, तो वो ब्राइडल टेस्ट अब आपको कैसा देखने को मिलता है वो सबसे बड़ा सरप्राइज होगा, कि इस दफ़ा ब्राइडल टेस्ट जो है वो दीपिका का आपको कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि सभा की शादी में तो हम देख चुके हैं, हो सकता है कि वो अच्छा ही टेस्ट निकाले उस पे ब्लेम डालने के लिए, सभा पे ब्लेम डालने के लिए, क्योंकि इनडायरेक्टली ब्लेमबाजी तो चलती रहती है कि देखो मेरी चॉइस तो ये थी, मे बी मैं ये सोच सकती हूँ, मुझे ये लग रहा है, मेरे पता नहीं, मुझे अंदर से बहुत सारे हैं कि आपको ब्राइडल जो सूट्स हैं ना वो अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर उसको अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटाना हुआ ना कि देख लो भाई मेरी पसंद तो ये थी, ये मेरा स्टाइल है, क्योंकि इसने इस बात को कह दिया कि मेरा स्टाइल आपको देखने को मिलेगा, मेरी झलक देखने को मिलेगी, तो ये हो सकता है कि वो एक अच्छी रेंज निकाले ये दिखाने को कि देखो भाई मेरी रेंज तो, मेरी पसंद तो ये थी, और वो जो सूट थे वो दीपिका सभा के खुद की पसंद के थे, तो मे भी शायद ये भी आपको देखने को मिल सकता है। कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, अक्टूबर के शुरू तक हमें जो है वो मिल जाएंगी चीज़ें देखने को। तो बहरहाल और कुछ था नहीं वीडियो में इतना कुछ खास, बस यही मुझे लगा था। एक और बात है लेकिन मैं डिस्कस करूंगी वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जो कि शुएब के ब्लॉग में नजर आई थी, उसकी अम्मी के ऊपर है, दीपिका की अम्मी के ऊपर है, लेकिन वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है इस पॉडकास्ट में, होप्स हो कि आपको पॉडकास्ट पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करना बनता है। अच्छा, एक मुझे ना अभी रिसेंट जो ना कमेंट आया है कि आप जो है ना वो बहुत डिप्लोमेटिक जो है वो रिव्यूअर हो, मतलब आप कभी उनका भी साथ देती हो, कभी उनको अगेंस्ट होती हो उस चीज़ के, डिप्लोमेटिक, तो आई थिंक इसी को कहते हैं ना कि आपके बड़े डिप्लोमेटिक, यानी आप सही भी नहीं कह रही हो चीज़ों को, गलत भी नहीं कह रही हो। भाई मेरा काम यहाँ पे जज बनना नहीं है, मैं हमेशा सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देती हूँ, जब कभी वो मुझे गलत लगते हैं तो मैं उनको गलत बोल देती हूँ, जब वो मुझे सही लगते हैं तो मैं सही बोल देती हूँ। एक ही वीडियो में मैं कभी उनको किसी चीज़ पर अच्छा बोल रही होती तो किसी चीज़ पर मुझे अजीब भी लग रहा होता तो मैं अजीब भी बोलती हूँ। तो मैं ना उनकी हेटर हूँ, ना सपोर्टर हूँ, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल बन के मैंने हमेशा हर वीडियो पर हर बंदे को लेकर मैंने हमेशा न्यूट्रल बन के ही रिएक्शन दिए हैं। बहुत कम लोग हैं जो मुझे नहीं पसंद होंगे, वो एक अलग बात है, और जो मुझे नहीं पसंद ना मैं उन पर बात भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनकी अच्छाई देख ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पर्सनली वो बंदे नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं उनकी अच्छाई भी नहीं देख पाऊंगी। क्योंकि आपको जो इंसान नहीं पसंद आप उसको लाग अच्छा देखने की कोशिश करो, आपको नहीं दिखेगी अच्छाई दिखना, तो मैं इसलिए उन पर बात भी नहीं करती हूँ। लेकिन ये सब मेरे लिए नॉर्मल है, मतलब मुझे ना ये ना पसंद है और ना ये पसंद है मुझे कुछ खास। पहले मुझे फैमिली बहुत पसंद थी, आज भी मेरे पास बहुत कुछ है, मेरा फैन फॉलोइंग निकल आती है, मेरा जो अंदर का फैन है ना वो कभी कभी बाहर आता भी है, लेकिन बोलती हूँ नहीं यार मुझे इस टाइम पर अपने काम पर फोकस करना है, मुझे रिएक्शन देना है वो भी न्यूट्रल बन के, तो मेरा ये न्यूट्रल रिएक्शन होते हैं। तो इसलिए आपको ये डिप्लोमेटिक लग सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही फ्लो में नहीं बना रही कि मैं अगेंस्ट अगेंस्ट ही वीडियो बना रही हूँ, मुझे जब जो चीज़ जैसी
अच्छी लग रही होती है, जैसी निकल के सामने आ रही होती है, जिस तरीके के पॉइंट्स ऑफ व्यू चेंज हो रहे होते हैं, मुझे उस तरीके की समझ आ रही होती है, मैं उस तरीके का आके सिर्फ रिएक्शन दे देती हूँ। तो सो क्या आपको पसंद आते हो? तो पसंद आते हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।